इस धरती पर हमारे चारों तरफ बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और वो एक नहीं बल्कि कई अलग अलग स्पीशीज में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बिल्ली और चीता। इन दोनों का ही ओरिजिन पॉइंट सेम है, लेकिन आज ये दोनों अलग अलग जीव हैं। इसमें सिर्फ उनके कलर ही डिफरेंट नहीं होते बल्कि उनके फिजिकल फीचर्स में भी काफी अंतर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इंसानों की भी एक से ज्यादा प्रजाति है? मतलब वो देखने में इंसानों की तरह होंगे लेकिन वो इंसान नहीं होंगे। मतलब आप अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, आपको पक्षियों से लेकर गाय, चीता, कुत्ते, भेड़ियों, इन सब में अलग अलग स्पीशीज मिल जाएंगी, लेकिन इनका ओरिजिन पॉइंट सेम है। तो क्या ऐसी ही कोई स्पीशीज इंसानों से भी रिलेटेड है? वेल, आज के समय की बात करी जाए तो हमारे बीच काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे इंसान होमो सेपियंस नाम की एक ही ह्यूमन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस धरती पर हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब पास्ट में होमो सेपियंस के अलावा भी बहुत सारी ह्यूमन स्पीशीज अर्थ पर एग्जिस्ट करती थी। साइंटिस्ट आज तक करीब 15 डिफरेंट स्पीशीज के ह्यूमन रिमेन्स ढूंढ चुके हैं। ऐसी ही एक ह्यूमन स्पीशीज थी नियंडरथल ह्यूमंस, जो आज से करीब 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों में रहा करते थे। इस वीडियो में हम आपको इंसान की इसी विलुप्त हो चुकी प्रजाति के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इससे पहले हम नियंडरथल्स के बारे में डिटेल में बात करें, हमें यह जान लेना चाहिए कि नियंडरथल ह्यूमंस आज के ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस से किस तरह अलग थे। नियंडरथल ह्यूमंस का एवोल्यूशन यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में हुआ था और इसीलिए वो कोल्ड रीजन में रहने के आदी थे, लेकिन हम इंसानों का एवोल्यूशन अफ्रीका के गर्म इलाकों में हुआ, इसीलिए हम गर्म इलाकों में रहने के आदी हैं। हमारा शरीर इसी हिसाब से ढल चुका है कि हम किसी नॉर्मल कंडीशन में ही ज्यादातर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम नियंडरथल्स के अपीयरेंस की बात करें तो उनकी हाइट मॉडर्न हाइट से थोड़ी छोटी थी, लेकिन उनकी बॉडी हमसे काफी ब्रॉड थी। उनके हाथ पैर मॉडर्न ह्यूमंस के कंपैरिजन में छोटे थे, लेकिन उनकी छाती और नाक हमसे बड़ी थी। वजन के मामले में भी वो हमसे काफी आगे थे और इसी वजह से वो मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल भी हुआ करते थे। अगर बात करें ब्रेन और इंटेलिजेंस की, तो नियंडरथल्स के ब्रेन केस का साइज 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग होता था, जबकि मॉडर्न ह्यूमन के ब्रेन केस का साइज करीब 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर की रेंज में होता है। अब दिमाग का साइज बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि वो हमसे ज्यादा समझदार थे। नियंडरथल ह्यूमंस के रिमेन्स पर करी गई अलग अलग रिसर्च से ये साफ हो जाता है कि उनका ब्रेन केस हम इंसानों से बड़ा जरूर था, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस उनके कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मतलब अगर वो मोबाइल फोन्स थे तो हम उस समय स्मार्टफोन कहे जा सकते थे। नियंडरथल्स भी आज के इंसानों की तरह व्हाइट और ब्लैक दोनों ही स्किन कलर्स में एग्जिस्ट करते थे और उनके बालों का कलर ब्लैक ही हुआ करता था। लाइट और रेड कलर के बाल नियंडरथल ह्यूमंस में काफी रेयर थे। वेल, ये तो बात हुई उनके अपीयरेंस की। अब बात करते हैं नियंडरथल्स के एवोल्यूशन की। साइंटिस्ट के अनुसार नियंडरथल ह्यूमंस का एवोल्यूशन इस पृथ्वी पर करीब 4.5 से 5 लाख साल पहले शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस समय धरती पर होमो हेडलबर्गेंसिस नाम की एक और ह्यूमन स्पीशीज रहा करती थी, जो नियंडरथल्स और होमो सेपियंस के बीच एक कॉमन स्पीशी थी। मतलब ये दोनों ही ह्यूमन स्पीशीज कहीं ना कहीं इसी स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, और जब ये ह्यूमन स्पीशीज अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैल गए तो उन्होंने वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। और क्योंकि नियंडरथल्स यूरोप और एशिया के कोल्ड रीजन में रहा करते थे, तो उन्होंने अपनी बॉडी पर ऐसे फीचर डेवलप कर लिए जिससे वो ऐसे क्लाइमेट में एग्जिस्ट कर सकें। अब ये एवोल्यूशन कुछ 100 सालों में ही हो गया था या फिर इसको कई हजार सालों का समय लग गया, इसको लेकर काफी सारी थ्योरीज पॉपुलर हैं। होमो सेपियंस इस समय तक अफ्रीका में ही थे और उन्होंने आज से 70,000 साल पहले ही दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि अगर नियंडरथल्स आज एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमें पता कैसे चला कि वो भी एक समय इस धरती पर रहा करते थे। वेल, ये पॉसिबल हुआ उनके फॉसिल्स और रिमेन्स पर हुई स्टडी और रिसर्च से। नियंडरथल्स का सबसे पहला रिमेन
1829 में फिलिप चार्ल्स मेरलिंग नाम के एक डच नेचुरलिस्ट ने ढूंढा था, लेकिन उस समय उन्हें ये मॉडर्न ह्यूमंस के ही रिमेन्स लगे थे। दरअसल ये 2 से 3 साल के नियंडरथल चाइल्ड के स्कल का टुकड़ा था, जिसे एंगीज 2 का नाम दिया गया है। इसके बाद भी नियंडरथल ह्यूमंस के रिमेन्स की कई और डिस्कवरीज होती रही, लेकिन हर बार नॉलेज की कमी होने की वजह से उन्हें पुराने जमाने के इंसानों के टुकड़े ही मान लिए गए। 1856 में जर्मनी के एक नेचुरलिस्ट और लोकल स्कूल टीचर जॉन कार्ल फरलॉट ने नियंडर वैली में कुछ ह्यूमन रिमेन्स फाइंड किए और नोटिस किया कि वो नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े से अलग थे। हिस्ट्री में ये पहला मौका था जब किसी ने होमो सेपियंस और नियंडरथल्स के बीच के डिफरेंस को नोटिस किया था, और इसीलिए नई स्पीशीज का नाम भी नियंडर वैली के नाम पर नियंडरथल्स रख दिया गया। यहाँ मिले रिमेन्स में नियंडरथल ह्यूमन के स्कल, थिक बोन, हिप बोन, शोल्डर ब्लेड और यहाँ तक कि रिब्स के भी कुछ रिमेन्स पाए गए थे। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने फुलरॉट की रिसर्च का विरोध किया और सिर्फ एक सैंपल के आधार पर इसे एक न्यू ह्यूमन स्पीशीज मानने से इनकार कर दिया। उस समय के दूसरे साइंटिस्ट का कहना था कि यह कोई नई ह्यूमन स्पीशीज नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान के रिमेन्स हैं जो एबनॉर्मल था या फिर किसी बीमारी से पीड़ित था। इसी वजह से एक लंबे समय तक के लिए नियंडरथल ह्यूमंस की रिसर्च वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में ढेर सारे नियंडरथल ह्यूमंस के रिमेन्स मिले और धीरे धीरे उनके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन सामने आने लगी। इससे ये साफ हो गया कि ये होमो सेपियंस नहीं थे, बल्कि ये एक अलग ह्यूमन स्पीशीज थी। ऐसा ही एक स्पेसिमेन था ला चपेले ऑक्स सेंट 1। ये 1908 में फ्रांस में मिला एक कम्प्लीट नियंडरथल स्केलेटन था, जिसने इस रिसर्च में एक माइलस्टोन का काम किया। दोस्तों, अब हम इंसान जब अपने ही जैसे एक जीव के एग्जिस्टेंस के बारे में जान चुके थे, तो अब हमारी क्यूरियोसिटी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब हम जानना चाहते थे कि नियंडरथल्स कैसे रहते थे, उनका बिहेवियर क्या था और वो शिकार कैसे करते थे, इतने ठंडे इलाकों में आखिर वो सर्वाइव कैसे करते थे। इस बारे में फ्रांस के एक पैलियंटोलॉजिस्ट मार्सेलिन बूल ने बहुत सारी किताबों के माध्यम से काफी कुछ बताया। उनके अनुसार नियंडरथल ह्यूमंस होमो सेपियंस से काफी अलग थे। उनका बिहेवियर एक मॉन्स्टर की तरह था। वो काफी आलसी भी हुआ करते थे और उन्हें होमो सेपियंस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम नॉलेज थी। उनकी ये थ्योरी काफी पॉपुलर हो गई और आगे बहुत सी बुक्स और मूवियों में उनकी ऐसी ही इमेज दिखाई जाने लगी। लेकिन समय के साथ ये साफ हो गया कि नियंडरथल ह्यूमंस होमो सेपियंस से काफी मेल खाते थे और वो मॉन्स्टर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। भले ही वो मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन वो किसी एप की तरह भी नहीं थे। और जब आपको ऐसी बर्फीली कंडीशंस में सर्वाइव करना हो और आपको खाना ढूंढने के लिए शिकार करना हो, तो आप उन्हें आलसी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ऐसा माना जाता है कि जब नियंडरथल्स एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंचने वाले थे, तो उस समय उनकी पॉपुलेशन करीब 25,000 के करीब थी। ये उस समय के इंसानों की पॉपुलेशन से काफी कम थी और धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। वेट अ मिनट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि नियंडरथल ह्यूमंस अचानक से पूरी तरह खत्म हो गए और होमो सेपियंस यानी कि इंसानों ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। इसका मेन रीजन है इंसान। वीडियो में मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि होमो सेपियंस ने 70,000 साल पहले ही अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट्स की ओर माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। इसी माइग्रेशन के कारण जब वो नियंडरथल्स के इलाके में पहुंचे, तो इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ और नियंडरथल्स की पॉपुलेशन कम होने की वजह से वो इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए और मारे गए। बदकिस्मती से इसी समय यूरोप का क्लाइमेट कुछ ज्यादा ही ठंडा था, जिसने नियंडरथल्स की बची खुची पॉपुलेशन को भी खत्म कर दिया। साइंटिस्ट के माने तो इनकी फर्टिलिटी रेट काफी कम थी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा, यानी कि इनके ज्यादातर छोटे बच्चे काफी कम उम्र में ही मर जाते थे। इसके अलावा उनमें डिसीजेस भी काफी ज्यादा कॉमन थी और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होमो सेपियंस के मुकाबले बहुत कम थी। इन सभी कारणों ने नियंडरथल्स को आज से करीब 40,000 साल पहले हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 7 मई 2010 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ।
हूँ, जिसके अकॉर्डिंग पास्ट में होमो सेपियंस और नियंडरथल्स के बीच सिर्फ फाइट ही नहीं हुई थी बल्कि हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ था, जिससे दोनों ही ह्यूमन स्पीशीज के जीन्स आपस में मिक्स हो गए थे। और आज भी दुनिया के 20-30% इंसानों का डीएनए नियंडरथल ह्यूमन से कुछ हद तक मेल खाता है। इसमें यूरोप, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के लोग सबसे ज्यादा हैं। आज नियंडरथल ह्यूमंस तो नहीं है, लेकिन उनके रिमेन्स हम इंसान की क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। और लगातार हो रही डिस्कवरीज हमें हमारे और इस पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ रिवील करते रहते हैं, और हम ऐसे ही अपनी वीडियोस के थ्रू आपको इसके बारे में हमेशा बताते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को भी दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।